पालिका द्वारा आदिवासी परिवारों के जो कृषि भूमि है और उस जिसकी मतलब ये सदियों से रहते आ रहे हैं, मतलब 100-150 सालों से बसे हुए लोग हैं, इनका जो कल नगर पालिका ने अतिक्रमण के नाम पे इनकी जो बाउंड्री बनी हुई थी उसको गिरा दी और खड़ी फसल में मतलब खड़ी फसल को भी नष्ट कर दिया। और पुलिस वाले उन महिलाओं के साथ उनको पकड़ पकड़ कर इधर फेंक रहे थे और पुलिस ने और न ही नगर पालिका ने इनको पूर्व में कोई नोटिस दिया। इस तरह से अतिक्रमण के नाम पर आदिवासियों को बेदखल करने की एक साजिश की जा रही है जो अवैध है। और ये जो 150 सालों से यहाँ रह रहे हैं और गरीब लोग हैं जो उनको ये भी पता नहीं है जमीन हमारी है या किसी और की है, लेकिन वो मतलब 100-150 सालों से कमा रहे हैं और उनकी खातेदारी कृषि भूमि है और ये भूमाफियाओं और नगर पालिका की मिली चाल से मतलब इस अतिक्रमण को हटाने का षड्यंत्र किया गया है। और दोनों तरफ जो इन्हीं लोगों के आदिवासियों के द्वारा जमीन बेची गई है उसको तो वैध मान लिया गया है। दोनों तरफ की जो जमीनें हैं इन्हीं खातेदारों से उन्होंने खरीदी है और इनकी कल जो बाउंड्री गिरा दी और काफी नुकसान हुआ है और मतलब इनकी जो फसलें हैं गेहूं की फसलें उसको भी नष्ट कर दिया गया है। आज तमाम आदिवासी परिवार के लोग मतलब सराड़ा सलूम्बर से लगा करके सारे लोगों में आक्रोश है और हम यहाँ अभी पीड़ित परिवार से मिले हैं और उन्होंने काफी वेदना बताई है कि कल हमने अनुनय विनय किया लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी और यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं, पुलिस ने नहीं बख्शा। और नगर पालिका का जो एओ है वो एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए न तो इनको कभी पहले नोटिस दिया और उस अतिक्रमण को गिराने के लिए मौके पे पहुंच गए। और तमाम मतलब आदिवासी परिवार और अन्य संगठन जो मतलब समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं सारे संगठन ये प्रशासन के इस रवैये से पूरी परिवार कल से लगा करके धरने पे बैठेगा।